दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। टीवी वर्ल्ड में लंबे टाइम तक एक्टिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर के गोस्वामी फिलहाल छोटे पर्दे से दूर हैं। 1997 में टीवी शो शक्तिमान से डेब्यू करने वाले के गोस्वामी को आखिरी बार त्रिदेवियां में देखा गया था। कम ही लोग जानते हैं कि बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे गोस्वामी ने मुंबई पहुंचने के लिए कई परेशानियों का सामना किया है। गोस्वामी ने खुद एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया था कि उनका ही नहीं उनके छोटे भाई का कद भी छोटा है। जब इस बात का पता एक सकस वाले को चला तो वह गोस्वामी के पिता से मिला। उस सकस वाले ने गोस्वामी के पिता से उन्हें खरीदने की बात की थी। बदले में पिता को 50,000 रूपए के ऑफर की बोली भी लगाई थी और कहा था कि इसको सकस का काम सिखाएंगे। उस वक्त गोस्वामी की उम्र महज 10 से 12 साल थी। उनके पिता ने सकस वाले की बात नहीं मानी और इस ऑफर से साफ मना कर दिया। गोस्वामी की जब शादी तय हुई तो इन वक्त पर ससुरालों ने बेटी देने से इनकार कर दिया था। खास बात यह रही कब लड़की उस वक्त उनसे ही शादी करने की जिद करने लगी। छोटा कद की जानकारी के बाद भी होने वाली पत्नी उनसे शादी करने को तैयार थी। घर वाले उसे समझा रहे थे कि अभी भी मौका है, शादी से इनकार कर दो और अपने लिए कोई अच्छा लड़का चुनो। इस पर लड़की का कहना था कि शादी तय होने के दिन से ही मैं उन्हें अपना पति मानने लगी हूँ। वे नाटे हुए तो क्या हुआ, मैं उन्हीं से शादी करूंगी। लड़की के इस जवाब के बाद भी गोस्वामी को बारात ले जाने से डर लग रहा था। उन्हें डर था कि बैंड बाजे के साथ पूरे गांव के लोगों को बारात में ले जाएं और अगर लड़की ने मुझे देखकर शादी से मना कर दिया तो ऐसा होने पर पूरे समाज में बदनामी होती। इस डर से गोस्वामी ने मंदिर में पिंकू से शादी की। बता दें दोनों के दो बेटे हैं, दोनों ही बेटों की हाइट अच्छी है। 3 फीट के की वाइफ पिंकू की हाइट 5 फीट है। यदि दोस्तों आपको हमारे दोबारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।